हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ SSC MTS एग्ज़ाम 2021 के जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि SSC MTS एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है, ID प्रूफ आप क्या लेके जा सकती हो, फ़ोटो आपको कितनी लेके जानी है, रेगुलेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि COVID-19 के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जैसे कि आपका रोल नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है एग्जामिनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि इसमें जो टाइमिंग दिया गया है, एग्ज़ाम टाइमिंग वो सुबह 9 बजे का है, लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे का है, और जो एंट्री क्लोजिंग टाइम है वो सुबह 8:30 का है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मेंशन किया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन में, कि आप लोगों को जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी टाइम के दौरान आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाना है। जो एंट्री क्लोजिंग टाइम है, अगर आप इसके बाद जाते हो तो आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। आपका भले ही एग्ज़ाम 9 बजे से स्टार्ट हो, लेकिन जो आपकी एंट्री टाइमिंग है उसी टाइमिंग के बीच में आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको अपना एडमिशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको 2 कॉपी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की लेके जानी है, जिसकी साइज़ 3x3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही में आपको एक ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जानी है। ID प्रूफ पे डेट ऑफ बर्थ और आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो ऐसा ID प्रूफ आप लेके जाओगे। ID प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जा सकते हो, सर्विस ID कार्ड ले जा सकते हो, कि इशू किया गया होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसा सर्विस ID कार्ड आप लेके जा सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ID प्रूफ नहीं है जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो, तो आप अपने साथ एक और सर्टिफिकेट कैरी करोगे जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हो, तो आप अपना 10th का मार्कशीट लेके जा सकते हो, जो कि CBSE या फिर ICSE द्वारा इशू की गई हो। तो ऐसा आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। तो आपको एडमिशन सर्टिफिकेट लेके जाना है एक, तो दूसरा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, और तीसरा आपको ID प्रूफ लेके जाना है। और यहाँ पे अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ वाली ID प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए आप अलग से सर्टिफिकेट लेके जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी है। एक और बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर जो डेट ऑफ बर्थ आपकी एडमिट कार्ड पे मेंशन की गई है, वो सेम डेट ऑफ बर्थ जो आप लेके जा रहे हो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उस पर नहीं मेंशन की गई है, तो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये आप ध्यान में रखना कि दोनों में डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको फेस मास्क लेके जाना है। मास्क आप वहाँ पे लगा के जाओगे, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाओगे, जिसकी स्मॉल बॉटल आप लोगों को लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी है, और साथ में COVID-19 की सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको लेके जानी है, जो कि एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कराई गई है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि COVID-19 के रिगार्डिंग आप लोगों को दिया गया है। उसको आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना है, फिल करना है और एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को ग्लव्स भी लेके जाने हैं। यहाँ पे इसको भी आप ध्यान में रखोगे, ग्लव्स भी आप अपने साथ कैरी करोगे। तो इस तरीके का आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जिसपे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, वो रोल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। एग्ज़ाम नेम आप लोगों को डाल देना है। एग्ज़ाम डेट, जिस डेट पे आपका एग्ज़ाम है वो डेट आप फिल करोगे। एग्ज़ाम शिफ्ट डालोगे, कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो यहाँ पर आप फिल करोगे। उसके बाद एग्ज़ाम वेन्यू नेम आपको डालना है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है वो आप फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। तो इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप फिल करोगे और इसको लेके जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। अब बात करें यहाँ पे कि कोविड के रिगार्डिंग क्या क्या आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बाद बताया गया है आप लोगों को 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी है एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के बीच में। और साथ ही में यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप लोगों को अलग से बॉल पेन या फिर रफ़ सीट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को बॉल पेन और रफ़ सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों के जो डेस्क होंगे, उस डेस्क पे आप लोगों को रफ़ सीट और बॉल पेन प्रोवाइड कराया जाएगा।
जब आप लोगों की एंट्री होगी एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे आप लोगों को सैनिटाइज़र भी अवेलेबल करवाया जाएगा। आप लोगों को हैंड सैनिटाइज़ करके अपने डेस्क पे जाना है, जहाँ पे आपकी रोल नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो आपकी आईडी प्रूफ है वो ओरिजिनल है या नहीं है, आपके पास आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपने डेस्क पे जाना है और अपना एग्ज़ाम देना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है COVID-19 के रिगार्डिंग। इसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि जिन कैंडिडेट को फीवर है या फिर कफ है वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको अलग से सेपरेटली उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, आइसोलेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट उनके लिए किया जाएगा, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर बात करें क्या क्या आप लोगों को नहीं लेके जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए, ना आप घड़ी लेके जा सकते हो, ना पेन ना पेपर, कोई भी जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो आप नहीं लेके जा सकते हो, फ़ोन नहीं लेके जा सकते हो। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं लेके जानी है। और नोज पिन आप नहीं पहन के जाओगे, ब्रेसलेट इयररिंग वगैरह आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहन के जाओगे, नहीं तो आप लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, या फिर वहाँ पे आप लोगों को उतारने के लिए ये सब बोला जाएगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताया गया है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं वो आप लेके नहीं जाते हो, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप लोग इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करना, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।